सो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया हो गाइस। आज के वीडियो में हम लोग कुछ इस तरह का फोटो एडिटिंग करना सीखेंगे जो कि इंस्टाग्राम में इस टाइम पे काफी ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। तो इस तरह से कैसे करना है गाइस मैं बता दूंगा। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे रख देना। तो बिना टाइम वेस्ट किए गाइस लेट्स बिगिन इन द वीडियो। पहला स्टेप है हम लोग को ये वाले बैकग्राउंड को ओपन कर लेना है पिक्सआर्ट ऐप में। जैसा कि देख सकते हो गाइस मैं कर लिया हूं ओपन। ऐसे ही आपको आपको ये बैकग्राउंड को ओपन कर लेना है पिक्सआर्ट ऐप में। और आपको ये बैकग्राउंड में पीएनजी जितना भी मैंने इस वीडियो में यूज किया आपको कहां मिलेगा मैं बता दूंगा वीडियो के बीच में। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और कैसे डाउनलोड करना है मैं वो भी बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो को एकदम बिना लास्ट तक एकदम बिना स्किप किए देखते रहना। अब करना क्या, आपको सिंपली आ जाना है यहां से हम लोग को ऐड फोटो वाले सेक्शन पे और अपने मॉडल के फोटो को कट आउट कर लेना है। मैंने ऑलरेडी कर रखा है, आप यही पोज पे अपने फोटो को क्लिक करा सकते हो। तो इस तरह से मैं ऐड कर लेता हूं अपने फोटो को कुछ अच्छे से। अब करना क्या, सिंपली आ जाना है यहाँ से हम लोग को डन नहीं करना है गाइस, ये आप ध्यान में रखना, डन आपको नहीं करना है। सिंपली आ जाना है हम लोग को यहाँ से फिर से ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे। यहाँ से अपने शैडो को ऐड कर लेना है। मैं सबका लिंक दे दूंगा, सबका लिंक मैंने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है। वहाँ से जाके ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड कैसे करना है गाइस, अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आता है तो मैंने इसकी भी ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मेक श्योर गाइस आप वो वीडियो देख के आराम से डाउनलोड कर सकते हो जितना भी मैंने बैकग्राउंड पीएनजी डाउनलोड यानी कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, मैं वहां पर अपडेट करता रहता हूं बैकग्राउंड पीएनजी, वहां से भी आप जाके एक क्लिक पे डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको जहां सुटेबल लगेगा आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। अब करना क्या, फिर से आ जाना हम लोग को ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे। यहाँ से हम लोग को एक विंग के पीएनजी को ऐड कर लेना है। अब करना क्या, कुछ इस तरह से अच्छे से एडजस्ट कर लेना है हम लोग को फोटो के अकॉर्डिंग। फिर सिंपली हम लोग को यहाँ से इरेजर के बगल वाले आइकन पे आ जाना है, यहाँ से मूव डाउन पे क्लिक कर देना है। जैसे कि देख सकते हो मूव डाउन पे क्लिक करने के बाद जस्ट ये बैक चल गया हम लोग को फोटो का। और आप चाहो तो अच्छे से फिर से इसे एडजस्ट कर सकते हो, तो अपने अकॉर्डिंग देख लेना, मैं आपको एक तरह से बता देता हूँ, कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना। अब करना क्या, फिर से आ जाना है हम लोग को यहाँ से ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे। यहाँ से हम लोग को वो बॉक्स को ऐड कर लेना है जो कि ये रहेगा, इसको हम लोग को अच्छे से एडजस्ट करना है। इसमें मैंने ऑलरेडी गोलो ऐड कर रखा है तो मैं यहाँ से इसे एडजस्ट कर लेता हूँ फटाक से। ऐसे ही आपको टाइम देके अच्छे से एडजस्ट कर लेना अपने हैंड को, लगना नहीं चाहिएगा इसकी फेक है, पीएनजी आपने लगाया है इसीलिए अच्छे से ऐड कर लेना। जैसा कि देख सकते हो इसे ऐड कर लिया हूं मैंने। अब करना है सिंपली आ जाना है ऐसे ब्लेंड पे, इसे नॉर्मल रहने देना। इरेजर टूल पे आके सिंपली अपने हैंड के ऊपर से इरेज कर लेना है इसे, ग्लो को सिर्फ रहने देना है और बाकी सारे को यानी कि फिंगर के ऊपर हम लोग को सिर्फ इसे इरेज कर लेना है। तो इस तरह से इरेज कर लेता हूँ मैं फटाक से। जैसा कि देख सकते हो गाइस मैं एडजस्ट कर लिया हूँ, सिंपली यहाँ से डन करके बैक हो जाना है, पूरा डन कर लेना है हम लोग को। अब करना क्या है, इसे हम लोग को आके ड्रॉ टूल में आके सिंपली यहाँ से थ्री डॉट में आके इसे सेव कर लेना। अब जो भी करना है हम लोग को लाइट रूम ऐप में करना है। तो मैं फटाक से ये फोटो को ओपन कर लेता हूँ लाइट रूम ऐप में अच्छे से समझाने के लिए आपको। जैसा कि आप देख सकते हो गाइस मैं फोटो को ओपन कर लिया हूँ लाइट रूम ऐप में। अब करना क्या है मैं बता देता हूँ, सिंपली आ जाना है हम लोग को पहले तो लाइट्स वाले ऑप्शन पे। एक्सपोजर को हल्का सा बढ़ा लेना है 10% के अराउंड। कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा हम लोग को प्लस की साइड रखना है। अब करना क्या है, सिंपली हाइलाइट्स में हल्का सा हम लोग को हाइलाइट्स को प्लस कर लेना और यहाँ से शैडो को हल्का सा माइनस की साइड रख लेना है। व्हाइट्स को इंक्रीज कर लेना और ब्लैक को हम लोग को माइनस की साइड। फिर आ जाना हम लोग को जस्ट उसके बगल वाले आइकन पे यानी कि कलर वाली टूल पे आ जाना है और यहाँ सिंपली हम लोग को वाइब्रेंस को इंक्रीज कर लेना अपने फोटो के अकॉर्डिंग, कुछ इतना मैं इंक्रीज कर लूंगा। फिर आ जाऊंगा मैं मिक्स टूल पे सेकंड ऑरेंज कलर पे जो कि हम लोग का फेस का कलर रहेगा। सिंपली इसका मैं सैचुरेशन हल्का सा डाउन कर दूंगा और लुमिनस को हल्का सा अप कर दूंगा। येलो को हम लोग को नहीं छेड़ना है। सिंपली आ जाना हम लोग को नेक्स्ट टूल पे इफेक्ट पे। क्लैरिटी को 10% इंक्रीज करने के बाद यहाँ से विगनेट को हल्का सा कम कर लूंगा। फिर आ जाऊंगा डिटेलिंग में, यहाँ से हम शार्पनिंग इंक्रीज करके यहाँ से मास्किंग को इंक्रीज कर लूंगा। फिर यहाँ से नॉइस रिड्यूसर, कलर नॉइस रिड्यूसर और स्मूथनेस। अब करना क्या है हम लोग को जस्ट उसके बगल वाले आइकन पे आने के बाद दोनों ऑप्शन को इनेबल कर लेना है हम लोग को। अब आ जाना है हम लोग को यहाँ से कलर पे, मिक्स कलर पे और येलो का आप चाहो तो ह्यू को यानी कि आप यहां से चेंज कर सकते हो इसे। तो हल्का सा लाइट पे रखूंगा मैं कुछ इतना। अब सिंपली डन कर दूंगा और यहां से बैक हो जाऊंगा। देख सकते हो लाइट रूम का भी काम खत्म हो चुका है। तो मैं दिखा देता हूं आपको लाइट रूम में क्या चेंजेस आए हैं। तो ये देखो गाइस बिफोर पिक्सआर्ट का जो कि कुछ इस तरह का था फीका फोटो, इस पे थोड़ा सा कलर ग्रेडिंग करने के बाद लाइट रूम में क्या ही ऑसम लग रहा है फोटो। थोड़ा सा ही कलर ग्रेडिंग हुआ है मगर जबरदस्त हुआ है। आप चाहो तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। कैसे मैं बता देता हूँ, सिंपली आ जाना ग्रेडियंट पे और यहाँ से आपको शैडो हाईलाइट
हाइलाइट्स पे आ जाना है। हाइलाइट्स पे आने के बाद आप जो चाहो वो कलर रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, देख सकते हो गाइस। तो आप जैसा चाहो वो सारा रख सकते हो, सिंपली यहाँ से डन कर लेना है। तो इसे आप सेव कैसे करना है गाइस, सिंपली आ जाना हमको यहाँ से शेयर वाले आइकन पे, सेव टू डिवाइस मिलेगा, सिंपली सेव कर लेना है। तो कैसा लगा वीडियो गाइस कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलना। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे रख देना डेली इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत गाइस, बाय बाय।